लवली स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद रितु चौधरी पर। अब तक बेटा हमने पढ़ा है शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है और उसके काइंड्स क्या क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी शेयर कैपिटल होती है उसको उसका प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, यानी कि जो हमारी शेयर कैपिटल होती है उसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। तो देखिए बेटा, ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जहाँ पे हम शेयर कैपिटल को क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं। बेटा ये जो फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेट के भी 2 या 3 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं बच्चों को अगर फॉर्मेट अच्छे प्रॉपर तरीके से बना रखा हो। तो फॉर्मेट पे हमेशा ध्यान रखना, पहले बैलेंस शीट लिखेंगे ऊपर बैलेंस शीट ऑफ, और यहाँ पे लिखेंगे कंपनी का नाम, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी। जैसे कि मान लीजिए एक्स लिमिटेड हो गया, वाई लिमिटेड हो गया, जेड लिमिटेड हो गया, ऐसे, ठीक है। फिर लिखेंगे एज एट, यानी कि जिस शेयर की हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस शेयर को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड एज एट, यानी कि जिस शेयर में हम उसको बना रहे हैं वो शेयर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये लिखते हैं ओपन। फिर हम अपने बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो तैयार करते हैं। यहाँ पे बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटी के हेड में क्या आता है, हमारा शेयर होल्डर्स फंड आता है। क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर भी हमारे 3 सब हेड होते हैं। कौन कौन से? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरंट्स, ठीक है। ये हमारे सब 3 सब हेड से किसके अंदर आते हैं, ये हमारी हेडिंग शेयर होल्डर्स एंड फंड के अंदर ये 3 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए बेटा हमें क्या बनाना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके अंदर हम शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करके फिर हम यहाँ पे करंट ईयर में लिख देते हैं, और नोट नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे। जिस भी नोट नंबर में हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं वहां पे यहाँ पे डाल देंगे, जैसे नोट नंबर 1, जैसे कि हम बनाएंगे ना नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें नंबर 1 डाल के शेयर कैपिटल के बारे में कैलकुलेशन निकालेंगे, फिर वो जो निकल के आएगी उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, करंट ईयर में ट्रांसफर कर देंगे। तो आपको आया समझ में, बैलेंस शेयर कैपिटल हमें कहाँ शो करनी पड़ती है बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर्स फंड के सब हेड में आता है शेयर कैपिटल, और इसकी कैलकुलेशन हम कहाँ करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स के अंतर्गत करते हैं। एज पर रिवाइज शेड्यूल 6 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पर्टेनिंग टू शेयर कैपिटल आर टू बी प्रोवाइडेड इन नोट्स टू अकाउंट्स, यानी कि इसकी कैलकुलेशन कहाँ करेंगे बेटा, नोट्स टू अकाउंट में कैलकुलेशन करेंगे, और वहां पे जो हमारी अमाउंट निकल के आएगी शेयर कैपिटल की वो हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस शीट में करंट ईयर में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। यहाँ तक आया समझ में सबको? तो आइए बेटा देख लिए हम किसको, नोट्स टू अकाउंट्स में, कि शेयर कैपिटल को कैसे फाइंड करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। इसमें फॉर्मेट देख लीजिए, पहले इधर पार्टिकुलर्स आएगा, रुपीज अन रुपीज, यानी कि यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट हेड आता है बेटा शेयर कैपिटल, नंबर नोट 1 डाल के, जो ये नंबर नोट 1 है ना इसी को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं नंबर 1 डाल के, ठीक है। शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ए पार्ट में लिखते हैं बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल पता है आपको क्या होती है, ठीक है। अगर किसी ने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको देख लीजिए, उसमें मैंने बता रखा है सारा कि ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, उसमें सारी चीज़ें की मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा इक्विटी शेयर की, जितने भी इक्विटी शेयर्स हमने ऑथोराइज कर रखे हैं उसकी अमाउंट शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। मान लीजिए हमने 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, तो कितनी अमाउंट हो गई बेटा 1000, कितनी हो गई 1000 की। ऐसे ही मान लीजिए 100 प्रेफरेंस शेयर थे 100 रुपये का एक, तो कितनी हो गई 10000। टोटल कितनी अमाउंट हो गई 10000 और 1000, टोटल बेटा 11000, ठीक है। ऐसे ट्रांसफर करेंगे, ऐसे फिर इशूड कैपिटल, मान लीजिए हमने 100 में से कितने शेयर इशू किए, 50 इशू किए रुपीज 10 ईच, 500 ओके हो गए, ठीक है। ऐसे ही हमने 100 प्रेफरेंस शेयर में से 50 प्रेफरेंस शेयर इशू किए 100 रुपीज ईच, तो कितने हो गए बेटा
5,000, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 5,500 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, यानी कि जितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए और फुल पेमेंट कर दी। मान लीजिए 50 में से 40 पब्लिक ने सब्सक्राइब किए और उनकी 10 रुपीज़ फुली पेमेंट कर दी, तो कितने हो गए बेटा? 400। और इसी में से 40 कर दी फुल पेमेंट 100 रुपीज़ की, कितने हो गए? 4,000। ठीक है, इसका भी टोटल यहाँ पे इकट्ठा करके यहाँ पे लिखना है बेटा। ठीक है, इसको अभी टोटल नहीं करेंगे। अब देखिए फिर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब किए लेकिन फुल पेमेंट नहीं की। मान लीजिए 42,000 कंपनी ने सब्सक्राइब किए शेयर, जिसमें से 40 की तो बेटा फुल पेमेंट आ गई, लेकिन दो शेयर्स ऐसे थे, कितने शेयर बेटा? दो शेयर ऐसे थे जिनकी कंपनी ने पेमेंट नहीं करी। कितने रुपए पेमेंट नहीं करी? 2 रुपए पेमेंट नहीं करी। मान लीजिए 10 का एक शेयर था तो 2 रुपए की पेमेंट नहीं करी, दो शेयर ऐसे थे जिसकी 2 रुपए की पेमेंट नहीं हुई, तो कितने की पेमेंट नहीं हुई बेटा? 4 रुपए की। नहीं सॉरी बेटा, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे फुल अमाउंट लिखेंगे। जैसे कि 2 शेयर्स थे, उनकी 10 रुपये का एक शेयर था, तो कितना हो गया? 10 × 20। ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर, यानी कि जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई, तो 2 रुपये 2 शेयर पर, तो 4 रुपये हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुई। ठीक है, फिर करते हैं ऐड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अगर हमने कोई कंपनी ने कोई शेयर फॉरफिट किया है, उसको हमेशा यहाँ पे ऐड करते हैं, ये याद रखना, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी हमने फॉरफिट का क्वेश्चन नहीं किया, जब फॉरफिट का क्वेश्चन करेंगे तब हम बैलेंस शीट को करके दिखाएंगे, अभी तक हम इतना ही करेंगे। लेकिन ये याद रखना बेटा, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स यहाँ पे क्या होता है? हमेशा ऐड होता है। ठीक है, अब 20 में से 4 को लेस कर देंगे तो कितने रुपीज़ हो गए बेटा? 16, तो ये 16 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब कितने रुपए आए टोटल? सब्सक्राइब एंड नोट, इन सबको प्लस करके यहाँ पे लिख दो 4,416। ठीक है, तो जो हमारी ये अमाउंट आई है 4,416, इसको हम अपनी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हेड के अंदर ट्रांसफर कर देंगे नोट नंबर 1 डालकर। ठीक है, आया आपको समझ में? क्या क्या लिखते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसके अंदर लेस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर्स और ऐड कर देते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर, अगर कंपनी ने कोई शेयर को फोर फीचर किया हो। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कैपिटल रिजर्व पर, कैपिटल रिजर्व होता क्या है, उसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।